ज्योति सिंह, जिनको पवन सिंह की एक्स वाइफ है, बट एक्स वाइफ कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा बिकॉज अभी तक इनका डिवोर्स जो है वो हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप माने या ना माने, पवन सिंह ने ज्योति सिंह से डिवोर्स ना लेकर खुद को एक बम्पर तोहफा ज़रूर दे दिया है। ये तोहफा, ये सरप्राइज आखिर क्या है और कैसे इसमें ज्योति सिंह जी सबसे अहम किरदार निभा रही हैं? अगर ज्योति सिंह जी नहीं होती तो शायद ये चीज़ यहाँ तक होती भी नहीं और यहाँ तक पहुँचती भी नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं देसी भारत और मेरा नाम गणेश कांदू है। भोजपुरी की सभी जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। आपको बता दें दोस्तों कि पवन सिंह ने हाल फिलहाल कुछ दिन पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा डंके की चोट पर कही थी और बहुत ज़्यादा रुतबे से कही थी, बहुत ज़्यादा विश्वास से कहा था, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से कहा था कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा। और जब उनसे पूछा गया कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह एक बात कहते हैं, ये नहीं सोचा है कि कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मन में सोच लिया कि चुनाव लड़ूंगा इस बार और ये बात पक्की है। तो दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को सिर्फ एक ही चीज़ रोक रही थी, जो था उनकी उनका निजी जीवन, उनकी पर्सनल लाइफ। चाहे वो जिस तरीके से ज्योति सिंह और उनका जो मामला था वो बार बार हर यूट्यूब चैनल पर, हर न्यूज़ चैनल पर घुमा कर दिखाया जा रहा था कि यार पवन सिंह खुद को इतना बड़ा पावर स्टार बताते हैं लेकिन इतनी गलत चीज़ों कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क उसके आगे लगाया जाता था। मैं ये भी आपके सामने क्लियर करता हूँ। लेकिन दोस्तों अब जब से वीना मानवी मिलकर गई हैं पवन सिंह से, उसके बाद पवन सिंह अब ज्योति सिंह से मिले, एक तस्वीर पोस्ट हुई बबीता जी के अकाउंट पर, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखी। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है, बातें सामने ये आ रही हैं कि अब पवन सिंह का जो टिकट है भाजपा से वो पक्का हो चुका है। उनका निजी जीवन जब ये मामला जो चल रहा था वही सॉल्व हो गया है, तो अब टिकट उनको पक्का मिलेगा जो कि भाजपा से ही मिलने वाला है। अभी भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन टिकट मिलने वाला है इस बात का कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आ चुका है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, पवन सिंह को विधायक बनता देख आप लोग कैसा आप लोगों का रिएक्शन होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।